बिग बॉस 9 के खलनायक हमारे साथ है ऋषभ सिन्हा, वेलकम टू टेलीबाइट। थैंक यू सो मच। बस यही था yeah. मुझे लगा यू विल कम अप विद समथिंग। नहीं मुझे खलनायक तो नहीं हूँ ऑफ कोर्स, बट मेरा एक ही मेरा सोच था घर में कि मैं जो भी करूँगा बोल के करूँगा और सामने से करूँगा। तो जब मैं अच्छा था मैं अच्छा था, जब मैं बुरा था मैं बुरा था, लेकिन मैंने बोल के किया कि अगर मैं डेविल नहीं हूँ, वो डेविल को बुलाते थे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि मैं बोल के करता था। वो बुरा करके अच्छा बनते थे, मैं बुरा करके अच्छा नहीं बनता था। अगर मैंने गलती की तो मैं एक्सेप्ट करता था कि मैंने किया है, दैट्स माय स्टाइल। ओके फर्स्ट रनर अप, तो फिर से कहेंगे हैशटैग अंडरएस्टिमेट फॉलोअर्स ऋषभ सिन्हा। वेल मैं यही कह सकता हूँ हैशटैग इट डजंट मैटर। ओके क्या कहेंगे इतने दूर तक आकर, यू नो एक कदम पीछे आप रह गए, क्या क्या मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ? ओके व्हाई डू वी फॉल टू राइज अगेन, सो अगर आज मैं गिरा हूँ तो मैं उठूंगा। ओके काफी सारे अच्छे फ्रेंड्स आई थिंक घर में बनाए आपने, प्रिया सबसे अच्छी सपोर्ट सिस्टम रही है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द ऑल द रिलेशंस दैट यू हैड मेड इन द हाउस? ओके सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी प्रिया की कि वो भी वाइल्ड कार्ड थी और उन्होंने मुझे कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया, सो आई थिंक उनको उस लॉट से निकाल दे राइट और दोस्त काफ़ी सारे बनाए। प्रिया में काफ़ी क्वालिटीज थी, उन्होंने शी वॉज माई सपोर्ट और उनका गेम प्ले काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, है आई थिंक है, और मैंने उनसे हिंट्स काफ़ी लिए। ओके दीपिका के साथ डेट पे गए थे ऋषभ आप इस यू नो बिग बॉस 9 में, तो कैसा रहा था एवरीथिंग? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा आई थिंक, काफ़ी बड़े स्टार्स के साथ मिलना उठना बैठना, हाउ वाज इट विद दीपिका डेट, वो डेट कैसी थी? बहुत अच्छा था, दीपिका इज वेरी ग्राउंडेड, उनसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा एंड शी इज अ चिलर, मतलब वही बात है ना, आप जितने बड़े स्टार बनते हैं आप उतने हम्बल होते हैं एंड शी इज अ परफेक्ट एग्जांपल। ओके और नॉट ओनली दीपिका, इवन सनी ने आपको मस्ती ज्यादा का टाइटल भी दिया था, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग आपकी पर्सनैलिटी दिख रही थी, तो क्या लगता है क्या किधर लो डाउन हो गया एंड वोट्स नहीं आए? व्हाट डू यू हैव टू से? आई थिंक मुझे सिर्फ वोट्स नहीं आए, कोई भी रीज़न हो सकता है, मैंने कभी भी किसी को बोला नहीं कि मुझे वोट करना। मेरे कोई एजेंट्स नहीं है, ना ही मेरा कोई मैनेजर है, सिर्फ ऊपर वाला है, सो आई थिंक क्योंकि अब आई थिंक वोट्स का ही मैटर हुआ है, दैट्स ऑल, बाकी एंटरटेनमेंट में तो मुझे 100 नंबर है। ओके काफ़ी क्रू वालों से भी हमारी जब बात हुई काफ़ी लोग डिसअपॉइंटेड हैं एंड अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड आर डिसअपॉइंटेड बिकॉज यू डिड नॉट विन, व्हाट डू यू हैव टू से, हाउ डू यू टेक दिस? आई थिंक इट्स बेटर टू बी अ पीपल्स चैंपियन देन अ ट्रॉफी चैंपियन एंड आई एम हैप्पी कि आई एम पीपल्स चैंपियन। ओके टेल अस अबाउट द जर्नी, कैसी रही अब तक की पूरी जर्नी? इट वॉज वेरी वाइल्ड, दो एक शब्द में बोलूँ तो इट वॉज किक ऐस, इससे बेटर एक्सपीरियंस, इससे बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता था। जो भी मैं इस घर में आने के पहले था, देर इज अ ह्यूज डिफरेंस, आई थिंक आई हैव कम आउट एज अ कम्प्लीट मैन, चीज़ों की अहमियत, रिश्तों को बना के रखने की जो एक प्रोसेस होती है वो सीखा, हाउ टू फाइंड सोल्यूशन वो सीखा, सो आई थिंक बिग बॉस ने बहुत कुछ दिया है। ओके प्रिंस जीत गए ऋषभ, उनके लिए क्या कहेंगे? प्रिंस जीत गया उसके लिए यही कह सकता हूँ तो खुश रहे, यहाँ रहे चाहे फारुखाबाद रहे, बट विनर विनिंग इज अ विनिंग, आदर यू विन बाय अ माइल और बाय एन इंच, सो प्रिंस इज द विनर ऑफ बिग बॉस सीजन 9 और मैं पीपल्स चैंपियन हूँ, आई एम द विनर ऑफ इंडिया एंड आई कैन लिव विद इट। वेरी ट्रू, टू ऑल द फैंस व्यूअर्स जिसने काफ़ी कोशिश की आपको जिताने की, काफ़ी वोट्स किए, तो उनको क्या कहेंगे? मैं अपने सारे दोस्तों को हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना चाहता हूँ और मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आने वाले वक्त में मैं फिल्मों में काम करूँगा और आपको इंटरटेन करता रहूँगा, सो डोंट वरी मैं यहीं पर हूँ आपको इंटरटेन करने के लिए, जो कर सकता हूँ करूँगा। नमस्ते, थैंक यू सो मच ऋषभ हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। कैमरामैन संजय के साथ अक्षय अगबानी, टेलीवाइट्स, लोनावला।